प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर क्या प्रदेश सरकार जनता की कसौटी पर खरी उतरी है या नहीं, इसी सवाल को लेकर नालागढ़ में विश्व हिंदू परिषद के जिला विभाग अध्यक्ष राजेश शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नमस्कार, नालागढ़ से मैं हूँ अजय रतन और आज हम लोग फिर से वही टॉपिक लेके जो है वो हम एक बार फिर आए हैं कि कांग्रेस के जो 2 साल के जो कार्यकाल है और उस कार्यकाल में क्या लगता है कि जनता से जो किए गए वादे थे वो उन्होंने पूरे किए हैं कि नहीं। तो कुछ हम नालागढ़ के जो राजेश शर्मा जी हैं, समाज सेवी भी हैं और नालागढ़ के बाशिंदे भी हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या लगता है इनको कि कांग्रेस के जो 2 साल का कार्यकाल है वो किस तरह से रहा। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस के 2 साल हो गए और अभी ऐसा लगता है कि वो खुशियाँ भी मना रहे हैं और इन्होंने सेलिब्रेट भी कहीं करना है, तो क्या लगता है कि जनता के उस पर खरी उतरी है कि नहीं? खरी तो क्या कह सकते हैं, खरी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं इनको, फिर भी उसके बावजूद भी अभी क्या क्या वादे किए थे, मेरे ख्याल में तो इनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ अभी तक जी। अभी दूध की बात की थी, गोबर लेने की बात की थी, तो कुछ भी नहीं। महिलाओं को 1500 रुपये थे, नाम मात्र को ही मिले हैं, तो ये ओवरऑल जो 2 साल इनके बहुत अच्छे नहीं रहे। देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि हिमाचल में जैसे अभी आपदा आई तो 1 साल तो चलो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 साल आपदा में निकल गया क्योंकि नुकसान जो है वो हिमाचल में काफ़ी तबाही देखने को लगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस आपदा से कहीं आर्थिक स्थिति भी डाउन हुई है, तो सरकार हो सकता है कि उसकी वजह से नहीं हो, तो आने वाले 3 साल में हो सकता है कि काम कर दे? आपदा की आप बात कर रहे हो तो इस साल तो बरसात भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, पिछले टर्म में तो बरसात काफ़ी थी, उस आपदा वो थी, इस बार तो बरसात हुई नहीं है, नाम मात्र की बरसात थी। अभी सर्दियां भी अगर शुरू हो गई तो सर्दियां भी इतनी नहीं पड़ रही है। आपदा की तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी बात नहीं है आपदा की। तो जिस तरह से चुनावी वादे जो कहते हैं, चुनावी वादे जो 10 मुख्य वादे किए गए थे, जैसे आपने खुद बताया कि दूध खरीदने की बात करी थी, गोबर खरीदने की बात करी थी, महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात करी थी, तो क्या लगता है कि अगर इस तरह की अगर ये वादे अगर सरकार नहीं पूरा करती है तो आने वाले वह चुनावों में कितना फर्क पड़ेगा? अगर आज की डेट में इलेक्शन होते हैं तो सरकार गिर रही है क्योंकि वादा तो एक भी पूरा नहीं हुआ और आगे भी नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा। अब सैलरियां देख लो, पिछले सिर्फ दिवाली के चलते ही एडवांस सैलरी मिली है, बाकी तो जब 1 तारीख को सैलरी मिलती थी या पेंशन मिलती थी वो नहीं मिल रही है। अब इस महीने का भी कोई फिक्स नहीं है, मेरे ख्याल में वही 9-10 तारीख तक जाएगी बात जो है, तो ये बहुत बुरा हाल है सरकार का। अगर नालागढ़ क्षेत्र की बात की जाए, विकास कार्य की बात जाए, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया है, रेवेन्यू भी जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है कि उस तरह की सुविधाएं जो हैं वो क्या वो सरकार दे पा रही है? नहीं दे पा रही है। हॉस्पिटल में बात हुई थी अभी जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो डॉक्टर पता नहीं 15-16 कितने डॉक्टर हो गए थे, लॉन्च भी हो गया था, लेकिन आज की डेट में जाके देखो वहाँ पर सुबह 8 बजे की लाइन लगी हुई है और भरा पड़ा है और डॉक्टर वही 4 या 5 डॉक्टर जो है सब कुछ देख रहे हैं जी। तो और अगर बात की जाए, जैसे सड़कों की बात की जाए और बात की जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे अभी बन रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार के आने से तेजी आई है या क्या आया है? तेजी नहीं आई है, बल्कि जो काम चला हुआ था वो भी बहुत धीमी गति से हो गया है। अब बद्दी से नालागढ़ की अगर ले लें, पिंजौर तक का ले लें, तो इतने खड्डे हैं कि जो बद्दी से नालागढ़ 16 किलोमीटर है, आपको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा नालागढ़ से बद्दी तक जाने में। तो देखिए, ये बात जो है हम लोगों ने कई लोगों से भी हमने बातचीत करी है और लोगों का कहना भी है यही है कि जो वादे, जो मैनिफेस्टो जो दिया गया था, चुनावी जो वादे किए गए थे, उनमें से जो वादे हैं तकरीबन जो है लोगों ने अभी सरकार ने पूरे नहीं किए, तो कहीं ना कहीं जो उसका इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में जो है वो पड़ सकता है।